जाने माने लिरिसिस्ट कम पोएट कम डायरेक्टर गुलजार साहब पहुंचे एक आर्ट इवेंट पर, जहां उन्होंने अपने फ्रेंड का एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया और बताया भी कि उन्हें ये पेंटिंग्स कितनी खास लगी। मैं इनकी पहली एग्जीबिशन जो यहाँ मुंबई में हुई थी 91 में, which was black and white, ना? Yes, it was total black and white. उस जमाने से मैं इनकी एग्जीबिशन और इनके काम देखता हुआ आ रहा हूँ और बहुत करीब है मेरे, ये हमेशा मुझे समझते हैं मैं इनसे बड़ा हूँ और मुझे ये लगता है कि ये मुझसे बड़े हैं, अब उम्र में छोटे होंगे, लेकिन इनका काम और इनकी इनका स्टाइल, जिस तरह से ये ग्रो किया है, इसके इशारे उस फर्स्ट एग्जीबिशन में जो 91 में देखी थी उसमें भी मिलता था। जी गुलजार साहब अपने फ्रेंड की पेंटिंग से काफी इम्प्रेस नजर आए हैं। वैसे यहाँ इस इवेंट से हटके हमने गुलजार जी से भी पूछा कि उनको इंडस्ट्री से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आफ्टर रिसीविंग द दादा साहब फाल्के अवार्ड। वो इस एग्जीबिशन का हिस्सा नहीं है, है ना, यहाँ पे जो आए हैं वहाँ उसी मौके की बात करनी चाहिए, वही अच्छा होता। इस सवाल पर गुलजार जी ने चुप्पी साधी है एंड चोज नॉट टू रिवर्ट। चलिए आप जवाब देना दे, पर आपके इस अचीवमेंट पर बॉलीवुड को काफी नाज है। फरलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई।